मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज 2 से 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लंबे समय से सतना के महियर इलाके को जिला घोषित करने की मांग की जा रही थी, जिसे अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरा कर दिया है। सिर्फ महियर ही नहीं, इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में पदुरना, शिवपुरी में पिछौर और उज्जैन में नागता को जिला बनाने की घोषणा की थी। पर क्या मध्य प्रदेश को लगातार मिल रहे जिलों की सौगात आने वाले चुनाव के बदौलत है? चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। मगर उससे पहले, अगर आपने लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरीके के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय से सतना के महियर इलाके को जिला घोषित करने की मांग की जा रही थी, जिसे अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरा कर दिया है। दरअसल चित्रकूट से चलकर जन आशीर्वाद यात्रा पवित्र नगरी महियर पहुंची थी, जहां से यात्रा की शुरुआत होने पर सीएम शिवराज ने इस बाबत ऐलान किया। दरअसल महियर के विधायक नारायण त्रिपाठी लंबे समय से इलाके को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, जिस वजह से वो पार्टी से नाराज भी चल रहे थे, जिसे एन चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरा कर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या नारायण त्रिपाठी की नाराजगी अब कम होती है, या फिर वो विंध्य प्रदेश बनाए जाने तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे। वैसे कहा जाता है कि भाजपा के सर्वे में महियर से टिकट के लिए कोई अन्य दावेदार मजबूत दिखाई नहीं देता, लिहाजा नारायण की नाराजगी को दूर करने के लिए यह औपचारिक घोषणा की गई है। बता दें, मध्य प्रदेश में 2003 तक कुल 52 जिले थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर 3 जिलों की बढ़ोतरी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले रीवा से मऊगंज को अलग कर जिला बनाया, फिर छिंदवाड़ा में पदुरना, शिवपुरी में पिछौर और उज्जैन में नागता को जिला बनाने की घोषणा की थी। लिहाजा अब मध्य प्रदेश में कुल 57 जिले हो जाएंगे। हालांकि चर्चा ये भी है कि अभी कुछ और घोषणाएं संभव है, ऐसे में जिलों की संख्या बढ़ भी सकती है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में जिला बनाने की घोषणा करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं है। उनसे पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये कर चुके हैं। 1998 में उन्होंने 7 और 2003 में 3 जिले बनाए थे, यानी चुनावी साल में जिले बनाने का फॉर्मूला दिग्विजय सिंह का था, जिसे अब शिवराज सिंह चौहान भी अपना रहे हैं। 2008 में उन्होंने 2 जिले बनाए, 2013 में 1 और 2018 में 1 जिला। अब 2023 में जरूर एक के बाद एक 2 जिले बनाकर और 3 और जिलों की घोषणा करके शिवराज सिंह चौहान बढ़त हासिल करने वाले हैं। अब लगातार जिलों की घोषणा कर रहे शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा चुनाव में कितना होता है, ये तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।